है, show that the following pairs of regular expression define the same language over the alphabets l equal to pq. pq alphabet से इसको आप ये शो करें कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों क्वेश्चन जो है इसमें जो पेयर्स है, पेयर मतलब जोड़ा यानी ये दो दो दिए गए हैं कि ये पेयर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये ओवर द अल्फाबेट्स ये गिवन अल्फाबेट्स पर सेम लैंग्वेज रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको जाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको जो पैर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको पहले हमने यहाँ लिखा है पी क्यू होल्ड स्टेरिक पी एंड पी क्यू पी होल्ड स्टेरिक. तो यहाँ पर देखिए आप इस क्वेश्चन में ये पहला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसको हमने लेट एल वन रिप्रेजेंट किया इक्वल टू पी क्यू होल्ड स्टेरिक पी. इसको जो स्ट्रिंग आता है ये किस तरह आता है, जिस तरह ये पी जो है इसको सबसे पहले लिखा और फिर पी क्यू होल्ड स्टेरिक को हमने कुछ इस तरह लिखा कि जब हिस्टेरिक की जगह हम जीरो पावर लेंगे तो जब एनीथिंग टू द पावर जीरो इक्वल टू वन और वन और पी इससे पी आता है यानी स्टार्ट से मैंने जो बताया कि पी क्यू आया. इस पी क्यू होल स्टेरिक पर स्टेरिक की जगह हम जीरो पावर लेंगे तो पी आएगा क्योंकि ये जो है ये पी क्यू होल पावर जीरो ये वन हो जाएगी और पी वन आप पी. फिर इसके बाद पी क्यू होल पावर वन लेंगे हम तो इससे पी क्यू आएगा, ये पी क्यू जो है और ये पी इसके साथ लिखा जाएगा. नेक्स्ट फिर दोबारा अगर पी क्यू होल टू द पावर अगर हम टू लें तो ये टू टाइम्स रिप्रेजेंट होगा यानी पी क्यू और पी क्यू और ये वाला पी इसके साथ ये आएगा. फिर इसके बाद अगर हम थ्री पावर लें तो इसी तरह थ्री टाइम रिप्रेजेंट होगा पी क्यू पी क्यू पी क्यू और ये वाला पी इसके साथ इसी तरह डॉट डॉट्स अप टू सो ऑन ये जारी रहेगा. तो ये थी हमारे पास L1 की जो स्ट्रिंग थी. इसी तरह L2 यानी जो दूसरा है ये वाला P इंटू क्यू की होल स्टेरिक ये है L2, इसको हमने रिप्रेजेंट किया P इंटू क्यू क्यू पी होल स्टेरिक. तो P जो है ना अपनी जगह पर क्यू पी होल स्टेरिक की जगह फर्स्ट हम जीरो पावर लेते हैं तो क्यू पी आता है एनी थिंग टू फोर जीरो क्यू पी टू द फोर जीरो इक्वल टू वन वन और पी जब मल्टीप्लाई होते हैं पी आएगा. फिर इसके बाद क्यू पी होल द पावर वन लेंगे तो क्यू पी जब वन टाइम्स होगा तो क्यू पी होगा और इसके साथ पी लिखा जाएगा तो देखो पी और क्यू पी. फिर इसके बाद क्यू पी टू द पावर टू यानी टू टाइम्स तो ये पी तो फर्स्ट वाला पी अपनी जगह पर और ये क्यू पी होल द पावर टू टू टाइम्स. फिर इसी तरह जब थ्री आएगा तो पी ये फर्स्ट पी अपनी जगह पर और इसके आगे क्यू पी क्यू पी क्यू पी थ्री टाइम्स अप टू सेम इसी तरह जारी रहेगा. अब आप रिजल्ट देंगे L1 की रिजल्ट को L2 की रिजल्ट को बिल्कुल सेम ही है सेम नज़र आ रहा है. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि L1 और L2 सेम है तो हम कह सकते हैं बोथ रेगुलर एक्सप्रेशन हैव द सेम लैंग्वेज हैव द सेम लैंग्वेज. दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज जो है वो सेम है ओवर द अल्फाबेट्स पी एंड क्यू. तो जब दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो सेम आई है तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज क्या सेम है. नेक्स्ट इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ओ पी स्टेरिक प्लस क्यू होल स्टेरिक एंड पी प्लस क्यू होल स्टेरिक. इसको ऊपर ला रहा हूं. यहां पर ये है सेकंड पार्ट्स. तो इसको पहले वालों को L1 रिप्रेजेंट्स किया और इसमें हमने देखे स्टार्ट में जो ये निशान है ये नल स्ट्रिंग की है. ये नल स्ट्रिंग इसमें क्यों आया कि इसमें प्लस आया है तो ये प्लस में नल स्ट्रिंग होता है और स्टैटिक में नहीं होता. फिर इसके बाद जो पी और क्यू ये अकेले आए हैं और पी क्यू को स्टैटिक की जगह अगर हम स्टैटिक जगह हम जीरो पावर ले तो फिर वन पावर ले तो पी क्यू फिर टू ले तो टू टाइम्स और फिर थ्री टाइम्स इसी तरह इसके साथ ये क्यू एड हो जाएगा एड होता रहेगा यानी पी क्यू फिर डबल क्यू पी फिर डबल पी क्यू. ये दो दो क्यू जमा और इनके दरमियान में इसकी प्लस साइन भी आई है और होल स्टेरिक भी है तो इसकी वजह से ये इस तरह आ रहे हैं. फिर नेक्स्ट L2 जो है वो भी पी प्लस क्यू होल ऑफ स्टेरिक है ये भी आप नोट कर ले. तो इसी तरह पहले नल स्ट्रिंग क्योंकि प्लस है और फिर पी और क्यू अलाइदा है फिर होल स्टेरिक में तो दोनों पर पी और क्यू फिर डबल क्यू पी फिर डबल पी क्यू पहले क्यू डबल पी पी डबल हो जाएगा इसी तरह अप टू सो ऑन जारी रहेगा. यहाँ पर भी L1 और L2 की जो स्ट्रिंग्स है वो सेम है तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि
ये जो है ये सेम लैंग्वेज है। अब थर्ड फोर्स जो है पी स्टेरिक प्लस क्यू स्टेरिक होल स्टेरिक एंड पी प्लस क्यू होल स्टेरिक। तो इसी तरह फर्स्ट को एल वन रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर भी नल स्ट्रिंग स्टार्ट में लिखा क्योंकि प्लस है, फिर पी है, फिर क्यू है अलहदा अलहदा, फिर होल स्टेरिक आया है तो फिर वन वन टाइम्स, फिर टू टू टाइम्स, फिर थ्री थ्री टाइम्स, अब टू सेवन जारी रहेगा। और इसके बाद नीचे वाला जो दूसरा था एल टू, इसको रिप्रेजेंट किया पी प्लस क्यू होल स्टेरिक। तो इसको भी पहले नल स्ट्रिंग, फिर पी अलहदा, फिर क्यों अलहदा, फिर स्टेरिक की वजह से पी क्यों, फिर डबल पी डबल क्यों, फिर डबल पी ट्रिपल क्यों ट्रिपल क्यों, फिर सोन। ये भी दोनों जो फर्स्ट था वो एल वन था और यहाँ इसका जो स्ट्रिंग्स आया और एल टू का जो स्ट्रिंग्स आया बहुत आर द सेम। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि हैंस प्रूव दैट दीज आर द सेम लैंग्वेज। अब जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट्स एल, एक्स वाई अल्फाबेट्स के लिए एक ऐसा लैंग्वेज लिखे जो एक्सेप्ट करता है ऑल द स्ट्रिंग्स इन विच द लेटर वाई इज नेवर ट्रिपल्ड, यानी दिस मीन द दैट नो वर्ड द सब स्ट्रिंग ट्रिपल वाई, यानी जो ट्रिपल वाई है ना ये इसमें कॉन्टेन नहीं किया होगा, इसके जो स्ट्रिंग्स होगा इसमें वाई थ्री टाइम्स नहीं आएगा। इसको मैंने ये स्ट्रिंग्स लिखा है, आप देखिए ये जो स्ट्रिंग है ये जो सिर्फ स्ट्रिंग्स का ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन का पूछा था कि ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट करेगी कि इसमें वाई ट्रिपल टाइम्स नहीं आएगी। एक स्टेरिक्स पावर लेगा फिर जीरो वन टू थ्री, अब इस तरह जाएगा टू टाइम फिर थ्री टाइम, और वाई जो है ना डबल वाई इस तरह एक्सटेरिक, ये इसी जो रिजल्ट आएगी ना वो हमारे पास इसमें ट्रिपल वाई नहीं आएगी। यदि असाइनमेंट सी एस फोर जीरो